हल्की सी कच्ची हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, टमाटर और मिर्च साथ डालूंगी फिर भूनूंगी। अब इसमें मैं एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, ग्रीन पेस्ट डालूंगी मैं इसमें, लहसुन अदरक हरी मिर्च, क्योंकि मैं बहुत कम बना रही हूँ, आधा पाव की दही की कढ़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी इतने छोटी सी फैमिली है, हमारे तीन अफराद हैं, तीन चार अफराद हैं बस, इतनी ज़्यादा कढ़ी हमारे यहाँ खाई नहीं जाती। मैंने आधा पाव दही लिए मैंने, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन लिए। ये मसाला हो गया, और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और हल्दी राय का नमक लिया। मैं पकोड़ों का बैटर बना रही हूँ, तो मैंने 4 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 स्पून कुटी मिर्च ली है, हसबे जायका नमक लिया है और ज़ीरा लिया है, और 1 चुटकी सोडा लिया है। अब इसको मैं घोलूँगी, इस बैटर को मैंने ऐसे घोल लिया है, अब मैं इसको और घोलूँगी ताकि ये बिल्कुल थिक हो जाए, हल्का सा नॉर्मल, ज़्यादा गाढ़ा ना हो, नॉर्मल हो। इसमें मैंने ना प्याज, हरी मिर्ची और पुदीना डाल के इसे मिक्स कर लिया है पकोड़ों के बैटर को। अब मैं पकोड़े बना रही हूँ, मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, और यहाँ पे साथ साथ कढ़ी भी बॉयल आ रहा है, कढ़ी में भी कढ़ी भी बन रही है। अब पकोड़ों में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, मैंने काफ़ी देर से इसे रखा हुआ था ऑयल गरम करने के लिए। अब इसमें मैं पकोड़े डालूँगी, एक मैंने सारे पकोड़े डाल दिए हैं इसमें, 1-1 स्पून करके मैंने इतने सारे पकोड़े डाल दिए। अब ये पकोड़े फ्राई होंगे और मैं कढ़ी में डालती जाऊंगी, ताकि पकोड़े साथ साथ कढ़ी में पकते रहें। ये मेरे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, अब मैं पकोड़े निकालूंगी, और इसमें ना मैं साथ साथ कढ़ी में डालती रहूँगी। साथ साथ इसको चम्मच चलाऊंगी ताकि ये अब कढ़ी में पके, और कढ़ी गाढ़ी हो रही है, देखें मेरी कढ़ी, देखें कितनी गाढ़ी हो गई है मेरी कढ़ी में, पकोड़े डल गए हैं, कढ़ी भी गाढ़ी हो गई है, पकोड़े भी डल गए हैं उसमें। अब मैं बघार का मसाला, बघार तैयार कर रही हूँ तड़का। पकोड़ों वाले तेल में मैंने साबुत मिर्चें डालनी है, और इसमें ब्राउन हो जाए तो इसमें मैंने लहसुन डालना है, और इसमें मैंने कढ़ी पत्ता डालना है, और मैंने जीरा डाला है। ये बघार मेरा तेल गरम हो गया, और इस बघार को मैंने देखे मेरी कढ़ी का फाइनल लुक। अब मैं आपको इसके साथ कीमा, हमारे यहाँ कढ़ी चावल कीमा बनाया जाता है,
तो मैं कीमा भी कीमे की रेसिपी भी शेयर करती हूँ आपके साथ। कीमा बना रही हूँ। कीमे में मैंने एक बड़ी प्याज ली है और 4 जवे लहसुन के लिए हैं और 5-6 साबुत मिर्चें ली हैं। ये ऑयल, 1 कप मैंने ऑयल रख दिया है और ये रख कीमा, मैंने कीमे को धो के रख दिया है। तेल गर्म हो गया, इसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज देखें हल्की पिंक हो गई है, तो अब इसमें मैंने 1 टमाटर कटिंग किया है, मैंने 1 चम्मच कुटी मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 4 जवे लहसुन के हैं, 5-6 साबुत मिर्च हैं और 1 इलायची है, 2-3 लौंगे हैं, 4-5 काली मिर्च हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के और हसबे जायका नमक है। अब इसमें मैं कीमा डाल के भूनूंगी। कीमा डाल के इसमें भुनाई करूँगी। इसमें सारे मसाले डाल के अब इसकी भुनाई कर रही हूँ और इसे मैं गलने रख दूँगी। व्यूअर्स, मेरी कढ़ी चावल और कीमा मटर तैयार हो गई है। आए आप लोग भी खाना खाएं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।